हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। गाइस देखो, मुझे बहुत कमेंट आया यार रेडमी 7 को लेके, और गाइस मैंने सोचा आपके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। तो गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे आपको इसका अपडेट MIUI 12 कब तक मिल जाएगा, और आपका ये फोन है ये इतना लैग क्यों होने लग गया, और ये कैसे फिक्स होगा। तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर आपके पास है Redmi 7 तो गाइज ये हैंग क्यों होने लग गया है यार। मतलब अगर आप MIUI यूज करते हो, स्टॉक रोम में हो और कोई भी कस्टम रोम में नहीं हो, तो आपका फोन यहाँ पे काफी लैग होने लग गया है 3-4 महीने के मुकाबले। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ पहले ये बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अभी इसके क्या हो गया यार, इतना लैग क्यों होने लग गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी अगर आपके फोन में अपडेट आएंगे उसके हिसाब से आपका फोन यहाँ पे और भी स्लो होता जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये कंपनी वाले गाइस बहुत यार अजीब है यार, पता है। जैसे आपको यहाँ पे 7,000-8,000 का एक फोन प्रोवाइड कर दिया, अभी ऐसा तो नहीं, अभी सारे मतलब जितने भी अपडेट आएंगे आपका फोन स्मूथली चलता रहे। इसमें एक ऐसे बग डाले जाते हैं कि आपका फोन हैंग हो, उसके बाद जब आपका फोन हैंग होता है या फिर कुछ बड़ा अपडेट देते हैं अपना फोन हैंग हो जाता है ना, उसके बाद आप सोचते हो कि आपका फोन चेंज किया जाए, तो आप MI के अलावा और कोई फोन पे स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे आदत पड़ गई है MI की। तो ये फंडा होता है कंपनी का, इसलिए आप यहाँ पे हैंग होता है तो फोन चेंज कर लेते हो। हालांकि आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप अपने फोन में कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल की जाती है, तो आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी Redmi 7 को लेके। तो अभी बात कर लेते हैं, अगर आपको इसका अपडेट नहीं मिला है फिलहाल का MIUI 12 का, तो ये कब तक देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसकी मैं कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, किसी के पास भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही ग्लोबल में यूज हुआ है ना कि आज का इंडिया में अपडेट आया है, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है फिलहाल के लिए। हाँ, Redmi 7A के लिए एक नया न्यूज आ चुका है, आपको यहाँ पे ग्लोबल में Android 10 का अपडेट मिल चुका है, हालांकि MIUI 11 में ही मिला है, MIUI 12 अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो Redmi 7 में आपको थोड़ा सा एक महीने का टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग शुरू है सभी डिवाइसेस की, जब तक पूरी नहीं हो जाती आपको इसका अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा, आपको MIUI 12 के साथ Android 10 भी देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो।